बच्चों हम आज हमारा चैप्टर है नागरिक शास्त्र का पांचवा चैप्टर, इसका नाम है जनसंघर्ष और आंदोलन। का नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। इसका हमने एक वीडियो देखा पार्ट वन, जिसमें हमने ये समझा कि इस पूरे चैप्टर में, जो पूरा चैप्टर है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। ज्यादा टॉपिक थे जिनको हम आपने पॉइंट आउट किया होगा, नोट भी किया होगा उम्मीद है, उन्हीं को हम एक एक करके यहाँ पर डिटेल में पढ़ते चलेंगे। उस एक वीडियो से आपने समरी को समझा, पूरे सिलेबस के टॉपिक को समझा, पूरे चैप्टर के ब्रीफ को समझा। अब क्या है कि उस चैप्टर में आगे की प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी, तो पहले टॉपिक से हम उठाते हैं। पहला टॉपिक है नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। ठीक है, लोकतंत्र का आंदोलन क्या है, भारत की आजादी 1947 में हुई, 1947 भारत आजाद हुआ। 1950 में 26 जनवरी को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया, आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश बन गया, यानी एक ऐसा देश बन गया जहां पर शासन सत्ता जो है सरकार चलाएगी, और वह सरकार कैसी होगी, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, यानी लोकतांत्रिक सरकार होगी। इसका हो गया यहाँ पर निर्धारण। ठीक, यानी स्पष्ट हो गया कि देश की शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी। लेकिन यह बात जो नेपाल के बारे में है वो नहीं है, थोड़ी सी अभी जल्दी की है, कुछ ही समय हुआ है वहां पर ऐसी व्यवस्था स्थापित हुई। 2006 की बात है, 2006 की बात है जब यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर यही समझने का प्रयास करेंगे कि नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे आई, किनके प्रयासों से आई, उसके लिए कौन से संघर्ष किए गए, किसने आंदोलन किया, उस आंदोलन में किसने किसने भाग लिया, कौन पक्ष में था, कौन विपक्ष में था, कौन चाहता था लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो जाए और कौन चाहता था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित ना हो, सरकार ना हो, जैसे राजशाही व्यवस्था चल रही है शासन में वैसे चलती रही, कौन चाहता था, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, भारत में कैसे आ गई, भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू होता है, लंबे समय तक चलता है, 1947 में देश आजाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद में एक संविधान सभा होती है जो संविधान का निर्माण करती है और उस संविधान का अनुपालन सरकार बनाकर किया जाता है। ठीक, अब इस तरह से देश की व्यवस्था चलने लगी। यहाँ पर नेपाल में ऐसी स्थिति नहीं थी। नेपाल में क्या होता है कि 1990 के बाद से, 1990 ईस्वी के बाद से अनेक देश ऐसे हैं जहां पर क्रांतिकारी आंदोलन हुए, वहां की सत्ता को, जो शासक था उसको समाप्त करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, नेपाल भी उनमें से एक था। होता क्या है, एक राजा होते हैं, राजा वीर विक्रम सिंह, ये हैं राजा जिनको कहा जाता था नरेश। नरेश कहा जाता था, नरेश कहा के हैं, नेपाल के शासक हैं। इनके समय में यानी 2005 से पहले इस शासन में थे, तो विद्रोह होता है और उस विद्रोह के परिणाम स्वरूप इनके देश में एक लोकतांत्रिक, ठीक, एक लोकतांत्रिक सरकार बनती है। ठीक, अब क्या हो रहा है कि उस लोकतांत्रिक सरकार के साथ साथ ये नरेश भी है, व्यवस्थाएं दो हो गई, एक तो शासक है और दूसरी सरकार, दो चीजें चल रही है, 2005 तक ही चलती रहती है। ये नाम मात्र के देश के शासक रहते हैं, शासन सत्ता यहाँ की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है वह चलाती है। ठीक, वह चलाती है, ये हो गया। लेकिन एक षड्यंत्र के द्वारा इनके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है, एक बड़े हत्याकांड में इनका पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब जो परिवार समाप्त हो गया, इसके बाद नए शासक आए, राजा ज्ञानेन्द्र। ठीक, ये राजा ज्ञानेन्द्र जो है ये अधिक महत्वाकांक्षी थे,
कांक्षी थे और इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण ही ये जो पार्लियामेंट थी इसको सस्पेंड कर दिया, यानी कह दिया निलंबित, निलंबित कर दिया। ठीक, इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि आज से नो पार्लियामेंट, यानी देश में कोई पार्लियामेंट या कोई संसद नहीं है, कोई सरकार नहीं जनता के द्वारा चुनी गई हो, अगर कोई है तो वो सिर्फ एक है राजा ज्ञानेंद्र। जो भी नियम कानून बनेंगे राजा ज्ञानेंद्र बनाएंगे, जो भी जैसा चलेगा वो सब इनके अनुसार चलेगा। ठीक, पूर्व में यहाँ की जो जनता है संसद से शासित हो चुकी है, संसद ने उसके ऊपर शासन किया है, उसके अधिकारों को प्रदान किया है, मानव अधिकार जो है वो उनको मिले हैं, तो उनकी इच्छा तो रहेगी कि हमारे पहले जैसे अधिकार थे जिनका हनन इन राजा ने कर लिया है वो पुनः वापस मिलने चाहिए, और इसके लिए संगठित रूप से आंदोलन आरंभ किए गए। ठीक, आंदोलन आरंभ किए गए कि आंदोलन के माध्यम से हम इन शासक के ऊपर नियंत्रण स्थापित करेंगे और शासक को मजबूर करेंगे कि हमारी जो शासन सत्ता थी जो आपके पैरों में चल रही थी, आप शासक थे और वहां पर भी व्यवस्था चल रही थी, दोनों शासन जो चल रही थी वैसे ही चलती रहे, कम से कम आप नहीं ये सत्ता ना समाप्त हो तो ये भी ना समाप्त हो, दोनों समान रूप से चलती रहे, इसके लिए जनता प्रयास करेगी और एक आंदोलन करेगी। ठीक, तो यहाँ तक हमने देखा है कि एक राजा थे वीरेंद्र वीर विक्रम सिंह, जिन्होंने सरकार को मान्यता दे दी थी और अपने साथ साथ सरकार के भी शासन को संचालित करवा रहे थे, तो एक नाम मात्र के शासक थे, लेकिन उसकी हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र जब आते हैं 2005 में उस संसद पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देते हैं और क्या होता है, कहते हैं कि जो भी शासन सत्ता चलेगी, जैसे भी व्यवस्था चलेगी, वो सब मेरे अनुसार चलेगी। ठीक, इसका विरोध कैसे आरंभ होता है इसको हम लोग देखेंगे। जो शासन था, जो संसद थी, तो संसद सेवन पार्टी अलायंस का था, क्या कि सात पार्टियां थी छोटी छोटी, उन्होंने संगठन बनाया हुआ था और उसी संगठन से लोग चुनाव लड़ते थे और निर्वाचित होकर आते थे जो शासन सत्ता में रहते थे, शासन चलाते थे। कब चलाते थे? जब राजा वीरेंद्र विक्रम सिंह थे। इनके पार्टी का एक व्यक्ति होता था जो प्रधानमंत्री होता था, यानी शासक भी है प्रधानमंत्री भी है, प्रधानमंत्री होता था। इस प्रधानमंत्री को राजा ज्ञानेंद्र ने अपने समय में आपसे भी हटा दिया था। इस सेवन पार्टी अलायंस ने क्या किया, जिसका शॉर्ट फॉर्म था SPA, सेवन पार्टी अलायंस। अगर आपसे पूछा जाता है SPA का पूरा नाम क्या है, तो सेवन पार्टी अलायंस यानी सप्तदलीय संगठन, यानी सात दलों का एक समूह, सेवन। ठीक, इनको हटा दिया गया। इस पार्टी ने क्या किया, आह्वान किया, आह्वान करने का मतलब आमंत्रित किया, सबको बुलाया, आवाज आया कि भाई आ जाइए, आह्वान किया और कहा कि काठमांडू, भाई नेपाल की राजधानी नेपाल, आप लोगों ने देखा होगा नेपाल कैसे, ये नेपाल मान लीजिए ऐसे, ठीक, ये ऐसे नेपाल, ये आपका काठमांडू, काठमांडू सीधा आपकी पटना जो है बिहार, उत्तर प्रदेश की जो बिहार राज्य की जो पटना है, बिहार में बिहार की राजधानी है पटना, उसके ठीक सामने पड़ता है, और इसी के ठीक सामने यहाँ पर हल्का सा आपको ऐसे कट मिलेगा, ये है सीतामढ़ी, जिसका अभी अभी विवाद चल रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ का मिलेगा आपको। ठीक, इधर थोड़ा सा बढ़ेंगे तो दरभंगा का क्षेत्र हो जाएगा। तो यही चीजें हैं कि जब यहाँ के शासक ने इनको मान्यता देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, तब सेवन पार्टी अलायंस ने एक आह्वान किया कि आज से काठमांडू चार दिन के लिए पूर्ण बंद हो जाएगा। ठीक, ये बात हो गई कि काठमांडू जो है चार दिन के लिए यहाँ पर पूर्णबंदी हो गई। अब यहाँ से न किसी तरह का व्यापार होगा, न किसी तरह का परिवहन होगा, नो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नो बिजनेस, कुछ भी नहीं होगा, सारी क्रिया प्रक्रिया बंद हो गई। ठीक, धीरे धीरे क्या हुआ, ये आंदोलन जो है सेवन पार्टी अलायंस का, ये लोकप्रिय होता गया और इस लोकप्रियता इसकी धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि इस आंदोलन में सड़कों पर उतरने वालों की संख्या 3 से 4 लाख हो गई, 3 से 4 लाख लोग ऐसे थे जो प्रतिदिन सड़कों पर आकर धरना देते थे, इसका विरोध करते थे, इतनी संख्या बढ़ गई। इस बढ़ी हुई संख्या पर कई बार शासक ने बलपूर्वक नियंत्रण करने का प्रयास किया लेकिन वह विफल था। ऐसी स्थिति में
24 अप्रैल 2006 को, ठीक, हमने देखा 24 अप्रैल 2006 को शासक कौन है, ज्ञानेंद्र। इन्होंने इन आंदोलनकारियों की तीन मांगे स्वीकार कर ली, ठीक है, तीन मांगे ये स्वीकार कर ली। लेकिन ये तीन मांगे जो स्वीकार की उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था, यहाँ पर एक संगठन था, ठीक, जो हमेशा वहां की शासन सत्ता या सरकार के खिलाफ कार्य किया करता था, जो माओवादियों का कहलाता था, ठीक, माओवादियों का संगठन। तो इनमें क्या हुआ था कि जो माओवादी संगठन था वो भी सेवन पार्टी अलायंस के साथ हो गया था, ठीक, जो माओवादी थे ये सेवन पार्टी अलायंस के साथ आ गए थे और ये हथियारधारी होते थे, बंदूकधारी। तो इस तरह से ये आंदोलन भविष्य में उग्र रूप ले सकता था, इस बात की चिंता शासक को हुई और ऐसे में शासक की जान बिल्कुल खतरे में थी, शासक के जो भी निकट संबंधी थे उनकी भी जान खतरे में थी, क्योंकि उनके साथ अब बंदूक और हथियार से लैस लोग भी आ चुके हैं आंदोलन में। ऐसे में इन्होंने तीन मांगों को स्वीकार किया। वो जो तीन मांगे थी उनमें सबसे पहली मांग थी कि गिरिजा प्रसाद कोयराला इनकी तीन मांग स्वीकार की, इन्होंने स्वीकार की। तो तीन मांगे पहली थी कि गिरिजा प्रसाद कोयराला को प्रधानमंत्री बनाया जाए, ठीक, पुनः प्रधानमंत्री बनाया जाए, इसको स्वीकार कर लिया। इसी के साथ अगला था कि जो कानून प्रधान जो संसद थी, संसद को जो बर्खास्त कर दिया गया था राजा ज्ञानेंद्र के द्वारा, उस समय में जो भी कानून राजा ज्ञानेंद्र ने बनाए थे उन्हें समाप्त कर दिया जाए। और अगला तीसरा था कि लोकतांत्रिक सरकार को मान्यता प्रदान कर दी जाए। ये तीन और तीनों मांगे उन्होंने स्वीकार कर ली। इस प्रकार से क्या होता है कि 24 अप्रैल 2006 ईस्वी को नेपाल में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि राजा वीरेंद्र विक्रम सिंह जो स्वीकार कर लेते हैं शासन सत्ता में सुधार को और लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाद में उसको राजा ज्ञानेंद्र समाप्त करते हैं। और फिर जब इनके ऊपर एक सामूहिक दबाव पड़ा, जनता ने अपने संघर्ष के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, सामूहिकता के माध्यम से इनके ऊपर दबाव बनाया, इन्होंने पुनः सत्ता को बहाल किया और पुनः अपना बैकफुट पर आ गया। तो इसका क्या कारण है, हमें यही पता चलता है कि जनता का जो समूह होता है वह आवश्यकता वाली चीजें जो होती है उन्हें मनवाने की क्षमता रखता है और विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने किया है, जिसका एक उदाहरण नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर आ गया। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है इंडिया का जगयुद्ध, नेपाल में लोकतंत्र इस तरह से आया। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा बोलीविया का जल युद्ध, ठीक, बोलीविया का जल युद्ध। ये कैसे जल युद्ध क्या है इसको हम लोग देखेंगे। होता क्या है कि जो बोलीविया वह एक गरीब देश था। इस गरीब देश में सरकार जो थी, सरकार ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए एक शहर था कोचबंबा शहर है बोलीविया में। यहां पर जो वाटर सप्लाई होती थी उसका काम था नगर पालिका, ठीक, जो नगर पालिका अभी भी हम लोग देखते हैं नगर पालिका। तो नगर पालिका का काम था कि इस कोचबंबा शहर में लोगों के घरों तक वाटर की सप्लाई ली जाए, पानी पहुंचाया जाए। नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र से हाथों से यह कार्य यहाँ की सरकार ने ले लिया और बाहरी प्राइवेट कंपनी जो थी, निजी कंपनी जो थी कंपनी को दे दिया, यानी ठेके पे दे दिया कि आप
इसको जम्बा शहर में वाटर सप्लाई कीजिए, नगर पालिका कल से नहीं करेगी और उसके बदले में आप ये कंपनी क्या करेगी वहां के लोगों से कर लेगी, ठीक है, टैक्स वहां जो पैसा लेना है ये कंपनी लेगी। इस बाहरी कंपनी ने वाटर सप्लाई तो की लेकिन उसके बदले में जो टैक्स लगाया वो 10 गुना बढ़ गया, 10 गुना यानी जो नगर पालिका जो टैक्स लेती थी उसके 10 गुना बढ़ा दिया। और उस बढ़े हुए टैक्स को अगर देखा जाए तो उस समय 1000 रुपए प्रति माह हो गया पानी का टैक्स जो था, वाटर जो बिल आता था, जो पानी का जो बिल आता था वो प्रति माह लगभग 1000 हो गया। और वहां पर रहने वाले लोगों की जो औसत आयु थी वो अधिकांश लोगों की प्रति माह 5000। अब 5000 रुपए में 1000 रुपए व्यक्ति पानी का देके तो अपना जीवन गुजारा नहीं कर सकता, बाकी और भी खर्चे होते हैं। तो ऐसे में क्या किया गया कि इस नीति के खिलाफ जो बोलिविया थी, बोलिविया देश था, इस नीति के खिलाफ यहाँ के लोगों ने संगठन बनाया, संगठन बनाया और इसका विरोध किया, ठीक, विरोध किया, विरोध शुरू किया। तो सरकार ने कहा कि आ जाइए समझौते से बात कर लेते हैं, चीजें समझा लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इस समझौते का कोई हल नहीं निकला, यानी कोई डिसीजन निकल के नहीं आया। 2 जनवरी में यह संघर्ष शुरू हुआ, जनवरी में ही बैठक हुई, कोई हल नहीं निकला। फरवरी में पुनः आरंभ किया गया जनता के द्वारा आंदोलन और उसे बलपूर्वक यहाँ की जो सरकार थी उसने दबा दिया। लेकिन लेकिन मार्च माह में यह संगठन जो छोटे छोटे अलग अलग भागों में लोग बटे हुए थे पुनः संगठित होते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं, इसका पूरी ताकत के साथ इस व्यवस्था का विरोध करते हैं। और उस व्यवस्था के विरोध के बाद विश्व बैंक ने यानी विश्व बैंक एक संगठन है, एक संस्था है जो विभिन्न देशों के सामाजिक, सांस्कृतिक और चिकित्सकीय कार्यों में सहयोग के लिए अनुदान देती है, अपने निर्णय महत्वपूर्ण जो होते हैं उसके संबंधित वो देते हैं, सारी चीजें वर्ल्ड बैंक हम लोग पढ़ेंगे आगे जो भी चीजें आएंगे उसको समझेंगे। ये समझिए एक संस्था है जो पूरे विश्व के देशों की व्यवस्थाओं को नजर रखती है, उस पर कहां पर क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है सारी चीजों पर ध्यान रखती है। तो विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार को निर्देश दिया कि ये कानून आप वापस लीजिए तुरंत, क्योंकि इससे जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। और ऐसे में बोलिविया को इस निजी कंपनी से जो करार इसने किया था, जो ठेका दिया था, उसको रद्द करना पड़ा। रद्द करने के बाद नगर पालिका को पुनः ये कार्य दे दिया गया और नगर पालिका ने पुनः सस्ते मूल्य पर पानी सबको पहुंचाना आरंभ कर दिया गया। तो इसी व्यवस्था को, पूरी जो व्यवस्था निकली उसे कहते हैं जल संघर्ष। ये हुआ कहा, बोलिविया देश उसमें हुआ, इससे इसको कहते हैं बोलिविया का जल युद्ध, यानी पानी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई लोगों के द्वारा वो क्या कहलाई, जल युद्ध। ऐसा नहीं कि जल युद्ध का मतलब है कि पानी के अंदर लड़ाई लड़ी, जल युद्ध का मतलब है इस बोलिविया वाले जल युद्ध से कि आप में बोलिविया में कुछ लोग रहते हैं जिनको पानी की सप्लाई देनी चाहिए थी सरकार को, लेकिन उसने क्या किया, किसी प्राइवेट कंपनी को, बाहरी कंपनी को दे दिया। बाहरी कंपनी को चाहिए था ज्यादा से ज्यादा लाभ, इसलिए उसने जनता का शोषण शुरू कर दिया, जनता ने इसके खिलाफ विद्रोह किया। और विश्व बैंक ने क्या किया कि बोलिविया को निर्देश दिया कि आप वो करार रद्द कीजिए, नगर पालिका जैसे सस्ते मूल्यों पर पहुंचा रही थी पानी उसको वैसे पुनः पहुंचा दिया जाए, ठीक। ये व्यवस्था, इस पूरी व्यवस्था को हम कहते हैं बोलिविया का जल। इस तरह से हमारे 2 टॉपिक इसमें कंप्लीट हुए, अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बच्चों थोड़ा सा ध्यान से धैर्यपूर्वक समझिएगा क्योंकि बोलिविया जल युद्ध जो है ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना 24 अप्रैल 2006 को हुई, अभी बहुत जल्दी की बात है। गिरजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री वहां का नियुक्त किया गया, शासक उस समय कौन था, ज्ञानेंद्र। ये सारी चीजें जो पॉइंट वाइज है हम लोग देखते हुए चलेंगे, नोट भी करते रहेंगे, तभी बेहतर तरीके से हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है।